उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कॉन्टेंट विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द बिजनेस सबसे पहले बात करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस की जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपनी ओवरव्यू की तो ये जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई है 1975 में नेचर ऑफ बिजनेस इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है ये मैन्युफैक्चर करती है स्कूटर्स गियर्ड स्कूटर जिसमें गियर होते हैं वो वाले स्कूटर्स ये मैन्युफैक्चर करती है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन असेंबलिंग ऑफ गियर्ड स्कूटर्स द कंपनी मार्केट स्कूटर्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ चीतक आपने ये चीतक नाम सुना होगा इस नाम का स्कूटर आपने देखा भी होगा एंड सुपर एंड प्रिया के बारे में भी आपने देखा होगा सुना होगा इस नाम के भी स्कूटर्स ये कंपनी बनाती है ये कुछ कंपनी का ओवरव्यू था इसके बाद हम करेंगे कुछ की मैट्रिक्स के बारे में जो कंपनी के की मैट्रिक्स है वो आपके साथ डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कैपिटल की 12,774 करोड़ का मार्केट कैपिटल है ये कंपनी का स्टॉक पी रेशो प्राइस टू अर्निंग रेशो 57.8 है एंड इंडस्ट्री का पी रेशो ट्वेंटी है ट्वेंटी है Which means, इंडस्ट्री के पी के मुकाबले में यह स्टॉक महंगा है 57.8 का है इस स्टॉक का पी रेशो प्राइस टू अर्निंग रेशो तो ये काफी महंगा है इंडस्ट्री के पी के मुकाबले में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयट है 0.88 परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल है जीरो पॉइंट करंट प्राइस इज 11,176 रुपीस डिविडेंड यील्ड इज 1.52 परसेंट फेस वैल्यू दस रुपए का है प्लेज परसेंटेज मतलब गिरवी कोई भी शेयर ये कंपनी ने नहीं रखे है डेट इक्विटी रेशो जीरो है मतलब कंपनी का कोई भी डेट है रीजन इट्स सोइंग जीरो करोड़

परसेंटेज कुछ भी नहीं है सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं है पी रेशो के मामले में ये कंपनी थोड़ी सी ओवर है या प्राइस इस कंपनी का थोड़ा सा एक्सेस है इन कंपेरिजन टू इट्स इंडस्ट्री चलिए आप बात कर लेंगे 10 इयर्स के स्टॉक रिटर्न्स की इस यहां पे हम कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल के रिटर्न्स सेंसेक्स uh, के एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बारे में बात अगर करेंगे पिछले 10 साल में 1297 परसेंट का रिटर्न दिया है जबकि सेम टाइम में सेंसेक्स ने 206 परसेंट का रिटर्न दिया है फाइव इयर्स में 183 परसेंट का रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने 127 परसेंट का रिटर्न दिया है पिछले चार साल में टू का रिटर्न दिया है ये कंपनी ने सेंसेक्स ने हंड्रेड दिया है इसी तरह थ्री ईयर में ईयर ऑन ईयर में वन ईयर में टू ईयर में मंथ ऑन मंथ में वीक में

चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स की कंपनी जैसे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री इट्स बिग पॉजिटिव क्योंकि कंपनी का कुछ भी कर्जा नहीं है डेट जीरो है कंपनी का जैसे कि हमने पहले भी स्लाइड्स में देखा कंपनी का डेट जीरो है दूसरा है हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज नेट सेल्स हैज ग्रोन बाय एनुअल रेट ऑफ 77.53% इस कंपनी का जो नेट सेल्स है वो एनवली 77% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है विच इज अ वेरी गुड थिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 25.78 परसेंट से ज्यादा इंक्रीज हुआ है विच इज अ फिनल थिंग तीसरा है स्टॉक इज टेक्निकली इन बुलिश रेंज टेक्निकली टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो स्टॉक अभी बुलिश रेंज में है ऊपर की तरफ भाग रहा है मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर प्रमोटर्स विच इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि कंपनी जिन्होंने स्टार्ट की है वो प्रमोटर्स अभी तक कंपनी के साथ इंटैक्ट है कहीं ना कहीं ये भरोसा दर्शाता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है दैट इज द रीजन प्रमोटर्स ने अभी तक एग्जिट नहीं किया है एंड इसी कारण प्रमोटर्स का जो मेजर स्टॉक शेयर होल्डर्स है वो प्रमोटर्स है विद रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ जीरो it has an attractive valuation with 0.5 price to book value चलिए आप बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ वीकनेसेस के बारे में ज्यादा वीकनेसेस तो कंपनी के नहीं है बट थोड़े बहुत वीकनेसेस तो है जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले तीन सालों से लो है 0.85% परसेंट पे है टैक्स रेट्स भी लो है एंड जून क्वार्टर में इस कंपनी ने अपना रिजल्ट जो डिक्लेअर किया था वो बहुत फ्लैट था ना उसने ज्यादा प्रॉफिट था ना ज्यादा लॉस था फ्लैट था और विच इज वीकनेस ऑफ दिस कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ओनली चलिए आप बात कर लेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की यहाँ पे जो दिख रहा है हमें बहुत सारी यू uh, नो you know, पैरामीटर्स है जिनको हम एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे जैसे प्रमोटर्स होल्डिंग 51% है क्योंकि ये मेजर स्टेक होल्डर्स भी है अदर डी आई आईज के पास है जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट नॉन इंस्टीट्यूशन के पास है थर्टी नाइन पॉइंट जीरो सेवन परसेंट एफ आई आईज के पास है फोर पॉइंट फाइव फाइव परसेंट इंश्योरेंस कंपनीज के पास है थ्री पॉइंट जीरो वन परसेंट जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो प्रमोटर्स है प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे हैं गुड थिंग और ये जो शेयर होल्डिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये जून 2024 तक के अपडेटेड है म्यूचुअल फंड्स के पास छह है टोटल 2.33% इनके पास स्टेक पॉइंट है, है. तो टो, टो, है, है. प्रमोटर सबसे हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स और ये प्रमोटर्स भी है इस कंपनी के

चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक डिविडेंट की द नेम ऑफ द कंपनीज महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड एज यू ऑलरेडी नो डिविडेंड एक सौ दस का कंपनी ने दिया है ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेंबर की एक्सटेट रखी गई है ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेंबर की रिकॉर्ड डेट भी रखी गई है मतलब अगर आपके पास ये स्टॉक है या अगर आप स्टॉक को खरीदते हो ट्वेंटी फिफ्थ के दिन आप अगर आप ये स्टॉक बेच भी देते हो आपको डिविडेंड फिर भी मिलेगा बात अगर करें स्टॉक प्राइस की जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है एलेवन थाउजेंड पर शेयर के हिसाब से दिस वॉज ट्रेडिंग इन टू स्टॉक मार्केट थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो कॉमेंट भी कर सकते हो प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल फॉर आर मोटिवेशनल पर्पज एंड प्रेस प्रस्तला के नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे फास्ट थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो Once again, keep watching our YouTube channel and keep subscribing. Thank you so much.